हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड दी ब्रज। आज हम आपको लेके चलते हैं वृंदावन में एक अलग किस्म का मंदिर है जिसका नाम है गोविंद देव जी मंदिर। इसको भूतों का मंदिर भी कहा जाता है। इसके पीछे का रहस्य है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और मेरी आपसे एक विनती है कि प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई भी और मंदिर ऐसा हो जो एक्सप्लोर करना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको इस मंदिर के बारे में बता दूं, गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में स्थित वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इसका निर्माण 1590 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर के शिलालेख से यह जानकारी पूरी तरह सुनिश्चित हो जाती है कि इस भव्य देवालय को आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र राजा मानसिंह ने बनवाया था। भारत के मंदिरों की श्रृंखला में आज हम आपको ले चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि वृंदावन में। अगर मैं मंदिर के निर्माण और उसकी शैली की बात करूँ तो मंदिर को बनने में उस समय लगभग 5 से 10 वर्ष का समय लगा था। करीब 1 करोड़ का खर्चा बताया गया। सम्राट अकबर ने मंदिर निर्माण के लिए लाल पत्थर दिए। और अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई लगभग 110 फुट 7 मंजिल थी और आज केवल 4 ही मंजिल मौजूद है। हालांकि मंदिर निर्माण का पूरा खर्चा राजा मानसिंह द्वारा ही उठाया गया था। निर्माण के समय मंदिर 7 मंजिल हुआ करता था और सबसे ऊपरी मंजिल पर एक विशालकाय दीपक का निर्माण कराया गया था। और इस दीपक में प्रतिदिन बाती की लौ को जलाए रखने के लिए 50 किलोग्राम से अधिक देसी घी का उपयोग होता था। तो आप सोच सकते हैं, डेली मतलब प्रतिदिन 50 किलोग्राम देसी घी। मंदिर के इसी विशालकाय दीपक की चमक इसकी शत्रु साबित हुई। मंदिर के इस दीपक की लौ को देखकर तत्कालीन मुगल आक्रांत औरंगजेब के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया और इस भव्य मंदिर की सुंदरता उसे खटकने लगी। इसी ईर्ष्या और हिंदुओं के प्रति अपनी घृणा के चलते उसने अंततः एक दिन अपनी सेना को इस गोविंद देव मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। किसी दैवीय कृपा के कारण मंदिर के पुजारी को औरंगजेब की इस योजना का भान हो गया था और उन्होंने मंदिर में स्थापित भगवान गोविंद की पुरातन प्रतिमा को वृंदावन से बहुत दूर जयपुर भेज दिया, जहाँ उसकी स्थापना कनक बाग में स्थित गोविंद देव मंदिर में हुई। आज भी यह मंदिर जयपुर में स्थित है गोविंद देव मंदिर के नाम से। खैर, औरंगजेब अपनी सेना के साथ मंदिर को तोड़ने पहुंचा। मंदिर की भव्यता इतनी थी कि औरंगजेब की सेना 4 मंजिल ही गिरा सकी। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर को खंडित और अपवित्र करने के प्रयास में यहां नवाज पड़ी और शेष बचे मंदिर पर मस्जिद की संरचनाएँ एवं गुम्बद आदि बनवाए। हालाँकि 1873 तक मंदिर उसी अवस्था में रहा जिस अवस्था में औरंगजेब द्वारा इसे छोड़ा गया था। लेकिन इसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार प्रारंभ हुआ और मंदिर के साथ छेड़छाड़ करते हुए औरंगजेब ने जो निर्माण किया था उसे हटाया गया और मंदिर का पूर्ण निर्माण किया गया। इस मंदिर की कुछ स्थानीय मान्यता भी हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिए जाने के बाद इस मंदिर में भक्तों का आना जाना बंद हो गया था। कई सालों तक मंदिर वीरान अवस्था में रहा और इसी के चलते यहाँ भूतों का निवास हो गया। हालांकि कहा जाता है कि इन भूतों द्वारा कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसके अलावा स्थानीय लोग तो यह भी मानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में भी भूतों का योगदान रहा है, क्योंकि इस मंदिर की भव्यता और कारीगरी ऐसी है कि इसे 5 से 10 सालों में इंसान द्वारा बनाया जाना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया है कि मंदिर में मौजूद संतों का यह कहना है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर जिस मस्जिद का निर्माण किया गया है उसमें इस मंदिर को तोड़कर प्राप्त किए गए पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। कहा जाता है कि मस्जिद के अधिकांश हिस्सों के पत्थर और गोविंद देव मंदिर के पत्थर एक जैसे ही हैं। तो अगर आप वृंदावन घूमने आ रहे हैं तो जो वृंदावन के मुख्य मंदिर हैं जैसे प्रेम मंदिर, वैष्णो देवी धाम, बिहारी जी मंदिर, तो उसके साथ साथ आप इस मंदिर को भी ना भूलें। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। जब आप इसकी नक्काशी को देखेंगे, जो पत्थरों पर नक्काशी की गई है, तो आपका मन प्रसन्न होगा। आपको लगेगा कि हाँ, प्राचीन समय में भी कैसे कैसे कारीगर थे। तो मैंने कोशिश की आपको दिखाने की, इसलिए प्लीज़ मेरी मेहनत को देखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।